हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के वायरलेस कम्युनिकेशन। हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि वायरलेस ट्रांसमिशन होते क्या है, उसके एडवांटेज क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर लिंक है, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो में। तो पहला जो हमारा वायरलेस ट्रांसमिशन हम पढ़ने जा रहे हैं उसे कहते हैं रेडियो, सॉरी हम पहला पढ़ेंगे माइक्रोवेव। ठीक है, तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, जैसा कि आपको समझ में आ रहा है कि नाम ही लिखा हुआ है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, तो ये इसमें क्या होगा, माइक्रोवेव सिग्नल्स आर यूज्ड। सबसे पहली चीज क्या होगी हमारी, इसमें हम क्या यूज करते हैं, माइक्रोवेव सिग्नल्स आर यूज्ड टू सेंड डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। मतलब हमको डेटा भेजना है, इसका ये डायग्राम भी यही है। ठीक है, आप चाहे ये डायग्राम बना सकते, सब में यही डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी माइक्रोवेव यूज कर रहे हैं माइक्रोवेव सिग्नल, ये कौन सी हो गए माइक्रो वेव सिग्नल आर यूज टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ये हो गया हमारा टॉप, ये बन गई हमारी पूरी की पूरी थ्योरी। थ्योरी हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है वायरलेस ट्रांसमिशन में, वही थ्योरी इसकी भी होती है। बस चेंज क्या करना है, सिर्फ एक लाइन, हमें उसमें एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़नी है कि इन केस ऑफ माइक्रोवेव ट्रांसमिशन वी यूज माइक्रोवेव सिग्नल। हम इसमें माइक्रोवेव सिग्नल यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, डेटा को सेंडर से रिसीवर तक भेजने के लिए। इसके अलावा बाकी पूरी थ्योरी सेम है, इसमें भी क्या लगेगा, सेकंड ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर यूज करते हैं, एक होता है रिसीवर एंड एनवायरमेंट। ओके, इसमें भी क्या यूज होता है, ट्रांसमीटर रिसीवर एंड एनवायरमेंट इज यूज फॉर सेंडिंग डेटा। हम कौन सी तीन चीज यूज करते हैं, ट्रांसमीटर रिसीवर एनवायरमेंट, डेटा को सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए। और डेटा और सेंडर रिसीव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पैराबोलिक, पैराबोलिक एंटीना आर यूज्ड टू, ठीक है, पैराबोलिक एंटीना आर यूज्ड। तो पैराबोलिक एंटीना क्यों यूज करते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुका है कि पैराबोलिक एंटीना हम डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए पढ़ते हैं। और इसके अलावा एक और चीज जो हमने नहीं पढ़ी है कि यदि हम एंटीना लगाएंगे 100 मीटर का तो वो कितना कैच करेगा, 100 किलोमीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, मान लो कि हमने एक टावर लगाया, उस पर एंटीना लगाया है, टावर कितना बड़ा है हमारा 100 मीटर का, तो ये कितना एरिया कवर करेगा, ये पूरा 100 किलोमीटर। मतलब यदि हमने 100 मीटर ऊंचा टावर लगा दिया है तो वो कितनी एरिया पूरी कवर करेगा, 100 किलोमीटर तक उसके सिग्नल हम रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की क्या हो गई पूरी समरी, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इज द ट्रांसमिशन इन विच वी यूज माइक्रोवेव सिग्नल। ऐसा ट्रांसमिशन जिसमें हम माइक्रोवेव सिग्नल यूज करते हैं उसे कहते हैं माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। दूसरा, इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन वी यूज ट्रांसमीटर रिसीवर है एनवायरमेंट फॉर सेंडिंग डेटा। डेटा सेंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रांसमीटर रिसीवर और एनवायरमेंट, ये तीन चीजें थी। इसके अलावा डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए हमें क्या चाहिए रहते हैं, हम टावर पे क्या लगाते हैं, वी माउंट पैराबोलिक एंटीनास ऑन टावर्स। हम टावर्स के ऊपर पैराबोलिक एंटीना लगाते हैं जो कि डेटा को सेंड और रिसीव करने के काम में आते हैं। इसके अलावा चौथी चीज, हमारे टावर के डिस्क्रिप्शन बताया हमने कि यदि हमारा टावर कितने मीटर का है, 100 मीटर का है, तो कितना रेंज कवर करता है, 100 किलोमीटर का। तो ये हो गई हमारी पूरी थ्योरी। इसके अलावा एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही की वही इसी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, जो वायरलेस ट्रांसमिशन के एडवांटेज डिसएडवांटेज है वही माइक्रोवेव के एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। ओके, ये हो गया हमारा माइक्रोवेव। अगला हम पढ़ेंगे रेडियो वेव। ओके ओके, रेडियो, अब इसकी थ्योरी भी आपको पूरी पता है ऑलरेडी, यदि आपने वह वीडियो देखा हुआ है तो। चलिए फिर से एक्सप्लेन करता हूं, यदि माइक्रोवेव में हम माइक्रोवेव सिग्नल यूज करते हैं तो रेडियो वेव में हम कौन सा सिग्नल यूज करेंगे, सीधी सी बात है रेडियो वेव। सो इसकी थ्योरी में क्या लिखना है, रेडियो वेव सिग्नल आर यूज्ड, ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन रेडियो रेडियो वेव सिग्नल्स आर यूज्ड टू सेंड डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। सेंडर से लेकर रिसीवर तक डेटा भेजने के लिए हम कौन से सिग्नल यूज करते हैं, रेडियो वेव, ठीक है, रेडियो वेव सिग्नल। इसके अलावा बाकी जो पूरी थ्योरी है वो कौन सी वाली है, माइक्रोवेव की। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी होगा हमारे पास ट्रांसमीटर, बार बार लिखना पड़ रहा है, ट्रांसमीटर, रिसीवर और क्या होगा, एक एनवायरमेंट। इसके अलावा और क्या होगा, पैराबोलिक एंटीना चलाएंगे, ठीक है, पैराबोलिक एंटीना
are mounted on towers to receive. ठीक है, parabolic antenna. Parabolic antennas are mounted on tower to receive radio wave or signals. ठीक है, radio wave signal को receive करने के लिए हम parabolic antennas को use करते हैं. ठीक है, अब सबसे important जो हमारी line है वो ये. ठीक है, इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लो. हमारे पास होता क्या है, रेडियो वेव सिग्नल है, इसके द्वारा सिग्नल हमारा जाएगा. लेकिन रेडियो वेव में हम करते क्या है, जो हमारा ट्रांसमीटर रहता है, पहले इंग्लिश में लिख देता हूं, ट्रांसमीटर. ठीक है, इतना तो लिखोगे, ट्रांसमीटर इनकोड्स, ट्रांसमीटर इनकोड्स मैसेज ऑन साइन वेव, then sends with the radio wave. तो ये हो गया हमारा जो line है, वो जो इसमें extra लिखना है वो ये लिखना. ठीक है, ये लिखना है. अब इसमें क्या क्या लिखना है, पहली चीज तो ये कि radio wave signal हमारे पास होते हैं, radio wave signal use करते हैं इस तरीके के transmission में. और दूसरा क्या लिखना है, radio wave transmission तो use होता है, पर उससे पहले होता क्या है, हम करते क्या है, ट्रांसमीटर जो है वो इनकोड करता है मैसेज, जो भी मैसेज भेजना है उसको इनकोड करता है किस पे, साइन वेव में, और फिर उसको क्या करता है, रेडियो वेव के साथ सेंड करता है. यदि मैं आसान भाषा में बताऊं तो ये क्या कर रहे हैं, हम वायरलेस ट्रांसमिशन में क्या करते हैं कि जो भी हमारा मैसेज है, ये रहा मैसेज, जो भी मैसेज था उसको हमने किसके साथ प्लस किया, ये हो गया मैसेज, इसके साथ हमने किस पे रखा, साइन वेव में, ये दोनों मिक्स हो गए. फिर इस सिग्नल को, जो मिक्स हो चुका सिग्नल है उसको हमने किसके साथ भेजा, ये हो गया हमारा रेडियो वेव. ठीक है, और ये हमने क्या कर दिया, सेंड. उसके बाद हमने क्या कर दिया, सेंड. ये इसको क्या बोलते हैं, इनकोड. इसको क्या कहते हैं, इनकोड. हमने मैसेज को साइन वेव के साथ इनकोड कर दिया, मतलब एक तरीके से मिक्स कर दिया, और मिक्स होने के बाद हमने उसको क्या किया, रेडियो वेव के साथ उसको भेज दिया. अब दूसरे एंड पे क्या होगा, हम क्या करेंगे, फिर से उसको यहां तक तो पहुंच गया, हमारे पास मैसेज और साइन वेव है, तो साइन वेव को क्या कर देंगे, डिकोड. तो हमारा साइन वेव चला गया और हमें क्या मिल जाएगा, जो मैसेज चाहिए था वो हमें मिल जाएगा. ठीक है, इतना डीप जाना है तो आप जा सकते हैं, पर आसान भाषा में बताऊं तो क्या हो रहा है, जो हमारा मैसेज था हमने उसको मिक्स किया साइन वेव के साथ, फिर उस पूरे मिक्स वाले चीज को, जो सिग्नल है हमारा मिक्स वाला, उसको हमने भेजा रेडियो वेव के साथ सेंडर से, और रिसीवर के पास पहुंच के हमने क्या किया, जो हमारा मिक्सर था किस चीज का, मैसेज और साइन वेव का, उसमें साइन वेव को निकाल दिया, मतलब डिकोड कर दिया, और हमारे पास जो बचा वो बचा हमारा मैसेज. तो ये थी हमारी पूरी प्रोसेस रेडियो वेव ट्रांसमिशन. ओके, पूरी पूरी थ्योरी सेम है, सिर्फ दो चीज एक्स्ट्रा लिखनी है कि हम इसमें क्या यूज करते हैं, रेडियो वेव सिग्नल्स, और जो भी रेडियो वेव सिग्नल्स हम यूज करते हैं उसके पहले हम जो मैसेज भेजना रहता है उसको क्या करते हैं, साइन वेव के साथ मिक्स करते हैं, फिर उसको भेजते हैं रेडियो वेव के साथ. तो ये हो गया हमारा पूरा रेडियो वेव. ओके, अगला हम पढ़ेंगे सैटेलाइट. तो जो हमारा अगला वायरलेस ट्रांसमिशन है वो हम जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा सैटेलाइट वायरलेस ट्रांसमिशन. ओके, सैटेलाइट का नाम सभी ने सुना होगा. सैटेलाइट क्या होते हैं, सैटेलाइट जो होते हैं जो हम क्या करते हैं उनको धरती से कहां पहुंचा देते हैं, ऑर्बिट पर पहुंचा देते हैं, और वो सैटेलाइट क्या होता है, धरती के पूरे चक्कर लगाता रहता है, उसी को क्या बोलते हैं सैटेलाइट. अब सैटेलाइट ट्रांसमिशन में सीधी सी बात है कि सैटेलाइट ट्रांसमिशन वह होता है जिसमें हम क्या यूज करते हैं, सैटेलाइट का यूज करते हैं ट्रांसमिशन के लिए. ठीक है, तो वो कौन सा ट्रांसमिशन कहलाता है, सैटेलाइट ट्रांसमिशन. इसमें भी पूरी सारी चीजें वही होती है, इसमें भी ट्रांसमीटर होता है, रिसीवर होता है, एनवायरमेंट होता है, बट हल्का सा चेंजेस. तो अब हमेशा इसमें याद रखिए, जो ट्रांसमीटर, जो हमारा ट्रांसमीटर था, जो हमने रेडियो वेव में पढ़ा था, जो माइक्रोवेव में पढ़ा था, वहां उसको क्या बोलते थे, ट्रांसमीटर. बट सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हमेशा याद रखना, जो हमारा ट्रांसमीटर है, जो डेटा सेंड करने वाला होता है, उसको हम एक नया नाम देते हैं, उसको बोला जाता है डिश. जैसे अपने डिश टीवी बोली है, उसी से ऐसा नाम आया है डिश. ठीक है, जो धरती पर रहता है, जो अर्थ स्टेशन, इसको और क्या बोलते हैं, अर्थ स्टेशन टावर बोल रहा हूं, अर्थ स्टेशन सेंडर या एंटीना. ठीक है, जो अर्थ पे, जो मतलब जो जमीन पे, जो हमारी अर्थ पे जो हम टावर लगाते हैं, जैसे हमने छत के ऊपर लगाते हैं वो डिश टीवी, तो जो हमारा धरती पे है, जो हमारा धरती पे रहेगा, जो जो ट्रांसमीटर रहेगा, जो डेटा भेजता है, जो अर्थ का स्टेशन पे जो रहेगा, उसको एक नया नाम दिया, उसे हम क्या कहते हैं, डिश. डिश टीवी से याद रखना कि
उसे क्या कहा जाता है डिश, किस केस में, सैटेलाइट के केस में, माइक्रोवेव और रेडियो के केस में नहीं लिखना है, सैटेलाइट के केस में जो अर्थ स्टेशन रहेगा उसके टावर को बोलेगा जाएगा, उसके टावर या एंटीना को बोला जाएगा डिश, और जो रिसीवर रहता है जो कहां रहता है सैटेलाइट पे, ठीक है, जो कहां पे ऊपर, ठीक है, जिसको हमने भेज दिया रॉकेट से आसमान में, उसको क्या बोला जाता है ट्रांसपोंडर, क्या बोलते हैं TRANSPONDER, उसका काम क्या है डेटा को रिसीव करना या रिसीव करके वापस सेंड करना, ठीक है। तो जो अर्थ का स्टेशन रहेगा जो डेटा को सेंड और रिसीव करता है उसे कहते हैं डिश, और जो हमारा सैटेलाइट का रिसीवर रहेगा जो डेटा को सेंड और रिसीव करता है उसका नाम क्या रहेगा ट्रांसमीटर, बाकी सारा काम अपने को मालूम ही है, क्या करेगा ट्रांसमीटर डेटा को सेंड करेगा, रिसीवर वहां पे रिसीव करेगा, और बाकी पूरी की पूरी थ्योरी आपको वही लिखनी है। एडवांटेज आपको पता ही है क्या होंगे, एडवांटेज आपको पता है लैंड लो लैंड कॉस्ट, ठीक है, इसके अलावा हमको केबलिंग से सस्ता पड़ता है, इसके अलावा एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक हमको क्या कर सकते हैं हम ट्रांसमिटिंग जो हमारा डेटा है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ये सब तो एडवांटेज जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वायरलेस ट्रांसमिशन के बुक। अब इसके अलावा जो डिसएडवांटेज में हम सबसे बड़ी चीज इसमें लिखनी है वो है हाई एटमॉस्फेरिक लॉस, ठीक है, बाकी सारी चीज तो लिखना ही है, कौन सी बाकी सारी चीज, कि रास्ते में कोई आ जाए बादल छा जाए मौसम खराब है तो क्या होगा सिग्नल खराब हो जाएगा, दूसरी कौन सी चीज अपने को लिखनी है डिसएडवांटेज में इनसिक्योर, सीधी बात है सिग्नल हमारा हवा में जा रहा है तो हमारा हमेशा क्या रहेगा इनसिक्योर रहेगा, और तीसरी चीज जो इसमें लिखनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये कौन सी है हाई एटमॉस्फेरिक लॉस, मतलब कि हमें मालूम है कि जो हमारा रिसीवर है वो कहाँ घूम रहा है सैटेलाइट में घूम रहा है, मतलब कि अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहा है, मतलब कि ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहा है, अब हो सकता है कि वो घूमते घूमते क्या हो किसी चीज से टकरा जाए, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है टूट सकता है बिखर सकता है, उसका रिसीवर खराब करना बन सकता है, कभी खराब हो जाता है, ऊपर क्या हो रहा है किसको पता, धूप ज्यादा तब गई, ठीक है, कोई सनलाइट आ गई या कुछ चीज से टकरा गया वो, तो क्या हो जाएगा उसके पार्ट्स खराब हो सकते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा क्या होती है सिग्नल लॉस या पूरी की पूरी चीज खराब होने की संभावना बढ़ जाती है, तो यही लिखा है कि हाई एटमॉस्फेरिक लॉसेस। इसके अलावा एक और चीज है, एक और डिसएडवांटेज क्या है हाई कॉस्ट, ठीक है, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट तो होगी, हाई कॉस्ट, सीधी बात है कि हमको ट्रांसमीटर कहां भेजना है आसमान, अब आसमान में पहुंचाने के लिए हमें क्या चाहिए रहेगा रॉकेट, और रॉकेट कितना महंगा आता है, तो सबसे ज्यादा महंगा क्या हो गया हमारा सैटेलाइट वायरलेस ट्रांसमिशन, क्योंकि हमें इसमें क्या होगा हमें एक रॉकेट लगेगा, रॉकेट से हम सैटेलाइट को आसमान में भेजेंगे, तो इट कॉस्ट वेरी हाई कॉस्ट, ठीक है, वेरी हाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी रहेगी इसकी, वेरी हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी रहेगी, और हर तरीके की कॉस्ट इसकी क्या रहेगी हाई, ठीक है, तो ये हो गया हमारा सैटेलाइट वायरलेस ट्रांसमिशन, होप आपको ये समझ में आया होगा, यदि आपको समझ में आया तो जरूर 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 आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे हम बाकी वायरलेस ट्रांसमिशन पढ़ने जाएंगे, जिसमें पढ़ेंगे हम इंफ्रारेड ब्लूटूथ और वायमैक्स और जितने भी हमारे वायरलेस ट्रांसमिशन जो एक्स्ट्रा हैं वो हम सारे इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें।